छाती को लगा के भीख मांगा था। किसानों कितनी दिक्कत, किसानों के लिए बड़ा तकलीफ है। सरकार आप लोग जैसे हो इसे किसानों पर निगाह कीजिए, हमसे अधिक बोल नहीं जाता है। कहते हैं कि गेहूं धान का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जिस तरह से कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग दिया जाता है उस तरह से निर्धारित किया जाए, जब तक सही मूल्य नहीं निर्धारित होगा तब तक किसान का विकास नहीं होगा। किसान स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसे C1 है, C2 है, C3 है, जो हमारी लागत है, हमारी मजदूरी है, हमारे खेत की कीमत है, सबको जोड़ करके दिया जाए तब जाकर किसान को होगा। उड़ीसा की सरकार जो है प्रति फसली 5,000 रुपया किसानों को प्रति एकड़ देती है, 30,000 रुपया बिना ब्याज का ऋण देती है, ये समझिए, और फ्री का बिजली देती है 5-7 पावर तक। यह हम आशा करते हैं कि भारत सरकार भी पूरे देश में ऐसी व्यवस्था जो कर सीमा उसको बढ़ाए ताकि आम उपभोक्ता को, आप लोगों को जो न्यूनतम आय वाले हैं उनको उसका लाभ मिल सके। बढ़ाकर कितना किया जाना चाहिए? सरकार को कम से कम 10 लाख रुपये करनी चाहिए, कम से कम 10 लाख रुपये वार्षिक इनकम वालों को इस पर छूट देनी चाहिए। ठीक, ये मांग करता हूँ कि जिन व्यापारियों का टर्नओवर सालाना 1 करोड़ से ऊपर है उनको कम से कम जीवन में एक बार आप 1 करोड़ का लोन दें। कम से कम 5 लाख की लिमिट हो टैक्स छूट पर, और व्यापारी हित में बजट होना ही चाहिए 50 लाख पर, 40 लाख के जो 20-40 लाख या ठीक है, लेकिन उसको कम से कम 50 लाख होना चाहिए। 50 लाख होना चाहिए, हाँ। और GST रिफंड जो है उसको तत्काल व्यवस्था करें। सरकार अधिवक्ताओं के लिए, खासकर से जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनको वकालत करने के लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था कर दें और लोनिंग वगैरह की व्यवस्था कर दें ताकि अधिवक्ता भी लोन पा सके और अपना घर मकान वगैरह बनवा सके।